चलो, 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 चल
देखेंगे कि ज्यादा सेब किसने खाया है? ये वाला ज्यादा खाया है? नो। ये वाला ज्यादा खाया है? तीन दिनों का तो आपने स्टार्ट करना है, 17 दिनों का बस साइलेंस शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10
मेरे से देखेंगे हमारे मोहल्ले में एक फैमिली आ गई, उनको मैं इतना पैसा आ गया, जो भी बात करते हैं गाने के स्टाइल में करते हैं। छोटा सा बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है, गाने के स्टाइल में अपने मम्मी से कहता है अम्मी अम्मी की पकाया की पकाया, अम्मी अम्मी की पकाया की पकाया, अम्मी किचन में अंडिया पकाई, अम्मी कह रही मैं पकाए नहीं आलू टींडे, मैं पकाए नहीं आलू टींडे। अबू बाहर हिलने वाली कुर्सी बैठे, अबू कह रहे मैं नहीं खाता आलू टींडे, मैं नहीं खाता। बाहर से फकीर दूसरा फकीर के अंदर क्या हो गया, वो मंगने वाला कहता है तुम नहीं खाने मैं नहीं दे रहे, नहीं खा रहे मैं सारी ये लोग समझाएंगे। अच्छा बेटा, हमारे पाकिस्तान में तीन किस्म के गधे पाए जाते हैं, गधा नंबर एक अंग्रेज गधा, गधा नंबर दो पढ़ा लिखा गधा, गधा नंबर तीन अनपढ़ जाहिल गधा। सबसे पहले अंग्रेज गधा अपनी बीवी को बुलाएगा तो किस तरह बुलाएगा, पढ़ा लिखा गधा अपनी बीवी को बुलाएगा किस तरह बुलाएगा, अनपढ़ जाहिल गधा अपनी बीवी को बुलाएगा तो किस तरह बुलाएगा। सबसे पहले अंग्रेज गधा अपनी बीवी को बुलाएगा तो किस तरह बुलाएगा, अंग्रेज गधा वो कैसा लाएगा, अरे कल्लन की अम्मा, अरे इधर गोवा इधर गोवा। अनपढ़ गधा अनपढ़ जाहिल गधा अपनी बीवी को बुलाएगा वो कैसे बुलाएगा, मीठी गधी माँ। ताई ले बजाते जाने साथ में। अच्छा बेटा, गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के मौसम में एक पंखा होता है, एक छत वाला पंखा, एक प्रेशर फैन, नीचे जमीन पर घूमने वाला पंखा, देखा आप लोगों ने घूमने वाला पंखा, बिल्कुल नया ले गया ना नया पंखा। बस साइलेंस, बैठ जाए, बिल्कुल नया पंखा ले गया नीचे घूमने वाला पंखा, उसका बड़ा प्यारा स्टाइल चलेगा, वो किस तरह चलता है आप मेरे से देखेंगे, आपको चलता नजर आएगा नया पंखा। अब यही पंखा दो साल के बाद थोड़ा सा पुराना हो गया है, थोड़ा सा खराब हो गया, वो कैसे लगा टिक। अब
अब ये भी पंखा बिल्कुल पुराना हो गया है, 50 साल के बाद बिल्कुल टूटा फूटा पंखा वो कर देगा टिक। बहुत से तालियां देंगे। अच्छा इसी तरह एक छोटा बल्ब होता है, जीरो का बल्ब, छोटा वाला बल्ब देखा आप लोगों ने, उससे थोड़ा बड़ा बल्ब होता है उसको बोलते हैं 100 वाट का बल्ब, उससे भी बड़ा होता है उसको कहते हैं 1000 वाट का बल्ब। एक होती ट्यूब लाइट, ट्यूब लाइट देखा आप लोगों ने, जीरो का बल्ब चलेगा किस तरह चलेगा फिर देखेंगे मिस्टर आपको जाता नजर आएगा। 100 वाट का बल्ब, 1000 वाट का बल्ब, ट्यूब लाइट सबसे मुख्तलिफ स्टाइल होता है किस तरह चलती है। सबसे पहले जीरो का बल्ब चलेगा टिक, 100 वाट का बल्ब टिक, 1000 वाट का बल्ब टिक, ट्यूब लाइट सबसे मुख्तलिफ स्टाइल ट्यूब लाइट का चलती है टिक। कुरान मजीद की, कुरान मजीद के कुल कितने पारे हैं, कौन जवाब देगा इसका? वेरी गुड। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरत बकरा। वेरी गुड, क्लैपिंग। हाँ जी, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर, वेरी गुड, माशाल्लाह। मक्की और मदनी सूरतों की तादाद बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दो सिफाती नाम बताएं। और दूसरा? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करें इसके लिए।